दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आपके पास खाली समय है, हाथ में स्मार्टफोन है और वीडियो गेम खेलने के शौकीन है और साथ ही असली पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आपको ऐसे में असली पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो बात बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बात बन जाए। तो दोस्तों ये है हमारे साथ शैलेश, जो खाली समय में अपने स्मार्टफोन से वीडियो गेम खेलते हैं और असली पैसा जीतते हैं, कमाते हैं मतलब कह सकते हैं। तो ये कौन सा गेम खेलते हैं, कब से खेलना शुरू किया इन्होंने, गेम खेलने की शुरुआत कैसे होती है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कितना टाइम खेलना होता है, किनके साथ खेलना होता है, सब चीजों के बारे में हम इनसे जानते हैं। तो शैलेश बताइए, आप कौन सा गेम खेलते हैं जिससे आपको पैसे कमाते हैं? जी सबसे पहले थैंक यू उसके लिए। और मैं जो गेम खेलता हूँ वो अभी BGMI है और वो पहले PUBG था। अच्छा, कुछ समय पहले इसको बैन किया गया था सरकार द्वारा, बट उसी सरकार ने, मतलब वो जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे लिए एक नया वापस नया प्लेटफॉर्म दिया हमें खेलने के लिए, उसको BGMI नाम दिया और ये ऑल ओवर इंडिया में। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? BGMI का फुल फॉर्म है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ओके, इसको हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन में खेल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोन में तो वैसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ, और लैपटॉप पर या कंप्यूटर वगैरह पर आप उसको भी, उस पर भी खेल सकते हो। PC वर्जन एक अलग आता है, तो PC पे भी आप खेल सकते हो और स्मार्टफोन पर भी खेल सकते हो, स्मार्टफोन पे भी आप खेल सकते हो। अच्छा। बट उसके कुछ नियम है, उसके अलग इक्विपमेंट्स आते हैं। अच्छा, वो PC पे खेलने। अच्छा अच्छा अच्छा, PC पर खेलने के लिए अलग इक्विपमेंट आते हैं, तो कितना खर्च आता है उसमें? उसमें आप जैसे आपके PC है तो फिर आपको एक अच्छा सा हेडफोन की जरूरत रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर कुछ कर्सर के लिए जैसे एक एक्स्ट्रा माउस अगर आपको चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ जैसे आपको जॉयस्टिक वगैरह आप यूज करते हो, जॉयस्टिक की हैबिट है तो आप जॉयस्टिक से खेल सकते हो। अच्छा। तो उसके लिए राउंड फिगर होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, वो आपकी पसंद है ना, सामान की क्वालिटी पर डिपेंड करता है ना, कौन सा सामान आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है डाउनलोड करने के बाद, या फिर उसके साथ जुड़ना होता है कहीं पर जाकर के? नहीं, इसका ऐसा नहीं है। देखिए, आप इसको पहले आप किसी फ्रेंड के लिंक द्वारा या फिर आप इसको प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए जो ऑब्वियसली रहता है, या फिर आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं मिलता है, या फिर किसी फ्रेंड के पास से यूट्यूब से भी मिल सकता है आपको। और आप अगर गूगल पे भी सर्च करें तो आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। तो आप सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, फिर बाद में उसको जब गेम आप स्टार्ट करोगे उसमें, तो आप उस पर अपना फीडबैक दीजिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अच्छा अच्छा, आप उसको रजिस्टर कीजिए, या तो आप ट्विटर से कीजिए, या फिर फेसबुक से कीजिए, या फिर जीमेल से कीजिए कोई, मतलब या फिर नया क्रिएट कीजिए, या फिर न्यू गेस्ट अकाउंट आप क्रिएट करके खेल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चार्जेस देने होते हैं? चार्जेस वगैरह कुछ देना नहीं रहता है। अच्छा, पहली बात तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ओके। और आप जब गेम डाउनलोड कर लेते हो तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप खेल सकते हो। अच्छा, तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो असली होते हैं या फिर डिजिटल प्लेयर्स होते हैं? देखिए, कुछ प्लेयर्स इसमें जो खेलने वाले रहते हैं, मतलब हार्डली नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ कंप्यूटर प्लेयर्स होते हैं, बट बाकी के जो पीछे बैकग्राउंड में है वो हमको विजिबल नहीं है, बट कैसा है वो अपनी जगह पे रह के खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे साथ पूरा कंट्रोल उनका रहता है, पूरा कंट्रोल उनका रहता, लेकिन है। वो जो खेलते हैं वो डिजिटल रहते हैं। हाँ, ये जो गेम, मतलब एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म वाला गेम है, ये ऑनलाइन गेम है। अच्छा, ये आप जैसे आप रैंडम में भी कहीं खेलोगे या फिर ग्लोबल वर्जन पे भी कहीं खेलोगे, तो आप इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक्टिव हैं, ऑनलाइन है, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, एक सर्वर में जुड़ जाते हैं और वो आपके साथ खेलते हैं एक सर्वर में एक टाइम के लिए। तो इसमें टीम चुनना होता है, फिर इंडिविजुअल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? नहीं, आप इसको इंडिविजुअल भी खेल सकते हो, या फिर आपके साथ कोई टीममेट है तो उसके साथ भी खेल सकते हो। और ऐसा कोई मतलब टारगेट नहीं है कि मैं छोटा हूँ या फिर कोई बड़ा खेल, ऐसा कई एज के खेलते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कैसे फ्री टाइम मिलता है तो खेलते हैं, या फिर कुछ रहता है तो खेलते हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना फिक्स टाइम करते हैं उसको वैसा खेलते हैं, जैसे मैंने भी अपना कभी फिक्स टाइमिंग रखा है। अच्छा, तो मैं उसके हिसाब से खेलता हूँ। ठीक है ठीक है, तो इसमें पहले तो डाउनलोड कर लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, उसके बाद क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन और ये सब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका जैसे मेन होम स्क्रीन है, फिर उसके बाद या तो आप पहले उसको
पढ़ो समझो कैसा क्या है, क्या खेला जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो मिलता है। अच्छा 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 पहले सब जानकारी ले लीजिए, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर आप उसके बाद आप एक स्टेप आगे जाइए, जैसे सीढ़ी का चढ़ाव होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे आप एक एक स्टेप आगे जाइए, तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, उसमें गाइडेंस दिया हुआ रहता है क्या? गाइडेंस देखिए, एक साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें पूरा गाइडेंस दिया है कैसे कैसे जाना है। और आप जब नया गेम स्टार्ट भी करो ना, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में भी मतलब एक ट्रेनिंग ग्राउंड दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका जैसे ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई लोग बिना ट्रेनिंग का खेलने गया और हार गया, तो ऐसे में उसको नुकसान का भी रहता है क्या कुछ? नुकसान तो ऑब्वियसली जब बिना जानकारी का, अगर पैसे का नुकसान होता है क्या उसमें? देखिए, अगर आप पैसा जीत अलग की है, हाँ, लेकिन हारने के बाद पैसा का नुकसान, मतलब कुछ पैसे कट जाते हो आपके अकाउंट से, ऐसा होता है क्या? देखिए, अगर आप कहीं कस्टम रूम खेल रहे हो, जैसे अच्छा, गेम हो गया, आप एक प्रॉपर नॉलेज हो गया आपके खेल, और आप ये कहीं कस्टम मतलब सर्वर पे खेल रहे हो, अच्छा, तो वहां पे कैसे उनमें चार्जेस होते हैं? अच्छा, कस्टम रूम में। हाँ, कस्टम रूम में जो एक लोकल होस्ट बनाता है, अच्छा, मतलब हमको ऊपर से एक होस्ट बना के मिलता है, अच्छा, उसका आईडी और पासवर्ड हमें मिलता है, ठीक है, हम सारे प्लेयर्स को। ओके, तो उसमें हमको आईडी पासवर्ड डाल के हम उसमें एंटर करते हैं, और एक कस्टम रूम होता है। फिर जब गेम स्टार्ट हो जाता है, तो उसका एक पर पर्सन, जैसे आप चार्जेस मान लीजिए 100 हो गया या फिर 500, जैसा कॉस्टिंग है, जैसा मैच रहेगा, तो उसके हिसाब से अगर आप उसमें आपका गलती या फिर टीममेट से गलती रहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की रहता है, तो उसमें हार जीत तो होना है, और हार जीत का देखो कोई मायने नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस वैसा अच्छा है, तो आपको जैसे लगता है कि मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो आप जीत सकते हो। अगर आपको मन में ऐसा कहीं है कि नहीं यार मेरा पैसा कहीं फालतू जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो इसमें पैसा कैसे बनता है? गेम खेलने पर या उसमें जुड़ने पर या गेम जीतने पर कुछ तरीका होगा ना पैसा बनने का? पैसा बनाने के लिए देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ। मैंने कस्टम खेले हैं बहुत सारे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अपने कॉलेज लाइफ में भी मतलब जब भी था, हाँ। तभी वहां पे भी बहुत सारे कस्टम्स खेले थे, कस्टम अच्छा। लोकल होस्ट पे बहुत खेला है मैंने। ओके। और उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया वैसा, तो फिर हम लोग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा अच्छा, तो हम लोग यूट्यूब से आजकल ज्वाइंट है। अच्छा, वहां से हम लोग जैसे कर रहे हैं पूरा मतलब प्रोग्रेस प्रोसीजर के हिसाब से अपना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो लाइव स्ट्रीमिंग से भी पैसा कमा सकते हैं? कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चलते ना, तो अकाउंट पैसे आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, इसका क्या प्रक्रिया मतलब होता है? इसका प्रोसीजर देखिए ऐसा है कि जब आप गेम खेल रहे हो और लाइव स्ट्रीम पे खेल रहे हो, अच्छा, तो आपका एक मिनिमम टारगेट जो मिलता है आपको सामने से, तो जैसे एक वो मिनिमम टारगेट आपका टच हो जाता है। मिनिमम टारगेट बोले तो पैसे में या फिर गेम? नहीं नहीं, आपका टारगेट इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन जितने टारगेट आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जी जी, ओके, हिसाब से फिर वो, तो उसके बाद हमें एक लेटर आता है यूट्यूब से। इसमें क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल क्या है इसमें? जैसे नॉर्मली जो यूट्यूब का रूल है उसमें है कि 4000 घंटा देखा होना चाहिए आपका यूट्यूब चैनल, और 1000 सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। जी जी, तो इसमें क्या है, गेम वाला में क्या है कि गेम वाले में भी देखिए सेम वैसी ही है। अच्छा। आपका मतलब जैसे 1000 के ऊपर व्यूअर्स होने चाहिए। अच्छा। और वैसे तो टाइम लिमिट है नहीं, बट कैसा है आप उसको एक प्रॉपर अगर जैसे गेम को खेल रहे हो लाइव स्ट्रीम पे, और ज्यादा मतलब जैसे ज्यादा भी एक्सपांड वाला गेम ना हो, जैसे 1 घंटे या फिर 2 घंटे का ऐसा मतलब एक मूवी जैसा वीडियो ना हो, बिल्कुल बिल्कुल छोटा शॉर्ट और इंटरेस्टिंग ऐसा रहना चाहिए वीडियो, और जिससे आपको मतलब लगे कि ये बंदा अगर कुछ अच्छा खेल रहा है, तो उसको हमको कुछ आगे बढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए उसके साथ, इसके साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उसके हिसाब से हमारा जो सब्सक्रिप्शन है जो मिनिमम टारगेट टच हो जाता है, तो उसके बाद हमें आगे से ऊपर से मतलब जो मैसेज आ जाता है, और हमें एक लेटर भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, कि आपका ऐसा ऐसा ये हुआ है, अगर आपका कुछ अर्निंग है इसमें, तो हम आपको रिफंड करना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, तो उसके हिसाब से हम फिर उनको मतलब जैसे जो जानकारी आप मांगी जाती है आप लोगों से, वो जानकारी देनी होती होगी, पर्सनल डिटेल हम अपना शेयर कर देते हैं उनसे। अच्छा अच्छा, तो ये जो पैसा बनता है वो महीने में आता है या उसी दिन जिस दिन खेलते हैं बना उसी दिन आ जाता है? नहीं, क्या सिस्टम? नहीं नहीं, महीने हमको मंथली आते हैं जैसे। अच्छा अच्छा, तो हमारा मंथली टारगेट, तो उसमें भी एक टारगेट होता होगा कि इतना पैसा बनेगा तभी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा? नहीं नहीं, टारगेट नहीं, टारगेट नहीं है। देखिए इसमें कैसा है, जब आपका जो भी महीने का इनकम हो जाता है उसमें, तो कैसा है वो हमारा चार्जेस जो है, अच्छा, उसमें से थोड़ा डिटेक्ट होके हमें वापस आता है। तो कितना परसेंट होता है, मतलब कमीशन ले लेते हैं एक तरह से? एक तरह से उनका कमीशन होता है, और हम अपना जैसे जो हमें भी आता है, तो हम उसको कमीशन के थ्रू हम बोलते हैं हम उसको चैरिटी में दे देते हैं पैसा। अच्छा, अच्छी बात आपने बताई कि जो आप कमाई करते हैं उसको एक तो खर्च करते हैं,
दूसरा उसको आप इन्वेस्ट कीजिए जी, और तीसरा है चैरिटी में लगाइए। तो आप चैरिटी में लगाते हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं आप। तो ये गेम खेलना आपने कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ से आपको जानकारी मिली? जी मुझे इसकी जानकारी तो पहले मेरे दोस्त ने दी थी। अच्छा। और ये दोस्त मेरा मतलब जैसे कॉलेज फ्रेंड है, और हम लोग पहले इससे पहले दूसरा गेम खेलते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो बट इसकी जब जानकारी आई तो हम लोग ने इसको स्टार्ट किया। अच्छा। और उसी से मतलब मैंने उसके ही लिंक से मैंने ये गेम खेलना शुरू किया। हाँ, गेम डाउनलोड करके गेम खेलना शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरा मतलब जैसे कॉलेज लाइफ से। तो स्पोर्ट्स चाहे डिजिटल हो या फिजिकल हो जी, उससे हमें लेसन मिलता है डिसिप्लिन रहने का और पंक्चुअल रहने का। तो जो आप ये गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें डिसिप्लिन रहने का और पंक्चुअल रहने का क्या मायने है? मेरा काम कि जब मर्जी हो तब खेल लो, जितनी मर्जी हो उतना खेल लो, जहां मर्जी हो वहां खेल लो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसमें भी वो फॉलो करना पड़ता है लेसन? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग कैसा है, जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तो हम अपना कॉलेज खत्म होने के बाद ही इसको खेलते थे। बट कैसा है कि खाना पीना वीना हो गया सब एकदम प्रॉपर, अपना लंच वगैरह डाइट कर लिए, फिर उसके बाद कुछ स्टडी बाकी रह जाता है तो स्टडी कंप्लीट कर लो। ओके, मतलब जो पहले जरूरी काम हो, पहले जो जरूरी काम हो वो आप खत्म कर लीजिए, तो जब उसके बाद आपको अगर कहीं फ्री टाइम मिलता है तब आप उसको खेलिए साथ में। अच्छा अच्छा। और जब फ्रेंड सर्कल आपके आप बाजू में ही है तो फिर मतलब जैसे सोने पे सुहागा जैसे, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हम साथ में खेल लेते हैं। बिल्कुल। और हम हमेशा इवनिंग में एक पंक्चुअल टाइम होता था, मतलब 7 से 9 बजे तक खेलेंगे, फिर उसके बाद जो अपना घर का है। ओके ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जरूरी काम है पहले वो निपटाइए, उसके बाद जो खाली समय है उसमें आप वीडियो गेम के लिए और पैसे कमाई। तो वीडियो गेम खेल के पैसे कमाने कुछ खतरे भी है क्या? खतरे कुछ रिस्क जो होते हैं कुछ ऐसा है क्या? खतरा तो वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, वही जो खाली साइबर अटैक का मामला होता है, साइबर अटैक का, उसके लिए आपको सेफ रखना पड़ेगा। तो नया जमाना है, डिजिटल जमाना है, और पैसे कमाने के भी नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी की तलाश में है, और अगर आपको वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप वीडियो गेम खेल करके पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि शैलेश खाली समय में अपने स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेल करके पैसे कमाते हैं। तो आपने जाना कि वीडियो गेम खेल करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कौन सा गेम खेले जाना चाहिए। तो आप अभी से ही नए जमाने के हिसाब से पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, कुछ पैसे खर्च कीजिए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए और कुछ चैरिटी में जरूर लगाइए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद शरीश। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।